दोनों जा रहे हैं अक्का के लिए केक लेने, है ना? अरे अक्का बीबी है। किस लिए? बंदरिया ऐसे लग रहे, वो नहीं होते वो पागल जो होते रॉकस्टार। हाँ ठीक है, जिसका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। दुकान चलना है? अच्छा लश्कर चलना पड़ेगा, यहाँ नहीं मिलेगी क्या? नहीं, क्यों? लकड़ी नहीं मिलती यहाँ। रूजो का घर बहुत महंगा पड़ गया यार मेरे को, मैं सोच नहीं रहा था कि इतने का पड़ेगा। 10% सामान मैंने अभी भी नहीं खरीदा है, लेकिन क्या है कि ग्वालियर ठंड बहुत खतरनाक पड़ती है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि रूजो बीमार हो। आज हल्का का जन्मदिन है इसलिए मैं ज़्यादा देर ऑफिस नहीं रुकने वाला, लेकिन एक दो काम थे वो निपटाने थे इसलिए आना पड़ा मुझे। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी का लॉक लगाना ही भूल जाता हूँ। तो ये आए थे, इन्हें ऑनलाइन बुक किया था और साथ में झंडा लेने आ गए। कहाँ से आओ? गौत से। तो अगर आप लोग ऐसे ऑनलाइन बुक करके कलेक्ट करना चाहते तो कर सकते हो, लेकिन देखो दिल्ली से आए बड़े पत्रकार का मोबाइल, ये हमेशा ऐसे ही रखता है क्या? ऐसे नहीं रखता, रख दूँ क्या? क्या ऐसे रख दूँ? अरे अब तुम रख दो, तुम रख सकते हो। इंसान सुधर गया। ये देखो आतंकवादी, ये देखो आपको देख के देखो रखे है अंदर प्लेट। अरे खुशबू बत्ती ला रही है, खुशबू आ रही है ना। पार्टी ऐसे ही होता है, मैं नहीं जाता पार्टी हो जाती है। पता है मैंने ब्रूजो के घर के लिए ना सुबह गया था लश्कर, वो लकड़ी का घर बनवा रहा था उसका, ठंड पता है वो वाली बहुत करनी पड़ती है, हड्डियां गड़गड़ा जाती है। मैंने बोला भैया कितने का क्या लगेगा? उसने बोला ये 4 प्लाईवुड लग जाएंगे। मैंने अच्छा चलो चलते हैं लेने, उधर लकड़ी का फ्रेम बनाएंगे अपन, ऐसा मस्त करेंगे वैसा करेंगे। मैंने अच्छा चलो चलो, वहाँ गए तो लकड़ी आई 1600 रुपए की, ठीक है, और प्लाईवुड आया 10000 के। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोला भैया लकड़ी वापस रख दो, लकड़ी नहीं चाहिए, इतना मजबूत नहीं बनाना अपन को, 30-40 साल चले ऐसा नहीं बनाना बेचारा, 2 साल ऐसा झटका सा लगा। 10000 भी मैंने, मतलब 10000 नहीं पूरे, अभी 9000 दे के आया हूँ, अभी 10% सामान और लेना है। उसके बाद फिर बनाने वाला भी ले रहा होगा। और क्या, बनाने वाला तो लेगा कम से कम 2-3 हजार, तो वो भी लेगा आराम से। ये सोच के ले लिया कि भैया यहाँ की ठंड बहुत खतरनाक पड़ रही है। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी तो दिसंबर है, जनवरी है, सनी खाने में मसरूफ है। और पता है आज ये जो कैलेंडर है 2022 का है, लेकिन आज 24 तारीख है और 1881 में सर छोटू राम जी का जन्मदिन था और 1930 में जनता, बाबा साहब का जो प्रथम अंक निकला, जनता पेपर निकला था उसका प्रथम अंक निकला था, और वो शायद हमारे पास रखा भी है ना जनता। तो ये देखिए जनता, इसका प्रथम अंक निकला था। इसमें देखिए यहाँ पर है ना, बाबा साहब ने कुछ लिखा था, बहिष्कृत भारत जब रिलीज किया था 3 फरवरी 1928 में, जिसने अपने स्वास्थ्य सुख चैन व आराम की चिंता ना करते हुए अपनी आंखों को बाती बनाया, इतना ही नहीं बल्कि मेरे विदेश में रहते समय जिसने रात दिन अपनी गृहस्थी को भार संभाला और आज भी संभाल रही है, परदेश में अपने परदेश से मेरे वापस आने पर अपनी विपसनावस्था में अपने सिर पर गोबर से भरे टोकरे ढोने के लिए जिसने आगे पीछे नहीं देखा, ऐसे अत्यंत ममतमाई सुशील तथा पूज्य पत्नी के संपर्क में मुझे 24 घंटे में से आधा घंटा बिताने को नहीं मिला। बाबा साहब ने अगर ये बात लिखी है तो मुझे लगता है कि सच में कुछ सोच समझ के लिखी होगी, है ना? नेता तो कुछ भी बोल देते हैं, किसी ने कुछ किया भी नहीं होता ना तो उसके शहर में जाके या उसके कॉलोनी में जाके 10 बढ़ाइयां कर जाते हैं, पैर छुए आते हैं। लेकिन अगर बाबा साहब ने ये बात लिखी है ना तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ में लिखी होगी, मतलब कितने कष्ट झेले होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। बाबा साहब हर किसी की तारीफ तो करते नहीं थे। अगर आपको ये किताब पढ़नी है तो हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। जनता अखबार 24 नवंबर 1930 से 28 जनवरी 1956 तक, यानी 25 साल 2 माह तक चला था। इस किताब में, जनता अखबार में जो भी बाबा साहब ने संपादकीय लिखे थे ना वो सारे इसके अंदर हैं। 15 दिन में एक बार छपता था जनता, मतलब महीने में 2 बार। 1956 में बाबा साहब ने सारनाथ की भी यात्रा की थी,
वो जापानीज में लेते यूट्यूबर अच्छा यूट्यूबर या नहीं एक्चुअली आई एम अ ब्लॉगर यूट्यूब ब्लॉगर ब्लॉग आई नो हाय हेलो उस समय नहीं लग रहा था लेकिन आज सोचते हैं ना काका घूम गया तो बड़ा दिल गदगद हो जाता है सोचती हिम्मत कर भी गए बन चल ठीक है जा रहा हूं मैं बाय बाय ये आ गई 5 बज गए वो देखो भौंकने लग गया इधर ऊपर हेलो उसका टाइम हो गया बाथरूम जाने का आप भी चलोगी अरे आप मत चलो आप गिर जाओगी नहीं गिरूं नहीं पहले बताओ अपन लोग तो आराम से बाथरूम आते हैं ये क्यों नहीं कर पाता अपने आप आयना बोलती है कि टॉयलेट करना कितना आसान है लेकिन इंग्लिश पढ़ना कितना कठिन है ना हाँ तो पीछे छोड़ रहे हो और खुद आगे चल रहे हो इंग्लिश समझना कठिन होता है ये इंग्लिश समझ लेता है टॉयलेट नहीं कर पाता छोटा सा काम सुबह से बुलाया था हमारा सामान टीवी लगा ना एलजी का है और ये देखो ये प्लाईवुड भी एलजी की आती है सुना था कभी आपने इनने तो सुना ही नहीं होगा इतना इतना घोटाला एलजी के नाम से चल रही है दोनों जा रहे हैं अक्का के लिए केक लेने है ना अक्का बीबी है कौन सा केक लोगी कौन सा फ्लेवर चलिए तो कौन सा लेना ये पिंक वाला अलका एल केक है ना आयना लाई है काटोगे सबसे खुश आराम लेकिन बिट्टी हम बुलाऊंगा क्योंकि कैसी लग रही है दो पंख लग गए बिट्टी के बूट्स पहने थे अभी रॉक स्टार जैसे पापा सुनेंगे गाने सुनेंगे उस पे गिटार की पिक टेबल पे रख के रख छोड़ गई थी रात को पी आई सी के नहीं अच्छे नहीं लग रहा बेटी ला दे दो हमको वापस नहीं लग रहा अच्छे आज नहीं नहीं आज तो ब्रूजो की पार्टी हो गई हिट जब से YouTube ने डिसलाइक बटन हटाया है 550 पे एक डिसलाइक और मैंने ना लिया है 200 साल बाद रोज नहाता हूँ वीडियो में डालता हूँ बेटा गिफ्ट कैसा लगा मेरा बहुत अच्छा इतना अच्छा ये नहीं है ये मेरे गिफ्ट नहीं मैं खाऊंगा लेकिन चलो तो चलो कल मिलता हूँ बाय 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 बाय